जिसमें विंग्स नहीं है वो उड़ नहीं सकता, बट जिसमें विंग्स हैं, अब आप क्या बोलोगे? इट शुड बी एबल टू फ्लाई. क्लियर? राइट. सिमिलरली इफ दिस इज एग्जाम्पल वन, एन ऑर्गेनिज्म हैज गॉट गिल्स. तो ऑर्गेनिज्म में क्या है? गिल्स हैं. इफ देयर आर गिल्स शुड बी एबल टू लिव और सर्वाइव अंडर वॉटर सरफेस. अंडर वॉटर सरफेस, वॉटर सरफेस के अंदर नीचे वो सर्वाइव कर सकता है, पानी के अंदर वो सर्वाइव कर सकता है, इन वेरी सिंपल टर्म्स. ठीक है. नाउ दिस रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर एंड दिस इज वॉटर एबल टू फ्लाई, ये क्या चीज है? दिस इज हैबिट. दिस रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर एंड हैबिट, दिस इज अगेन शुड बी एबल टू लिव और सर्वाइव अंडर वॉटर सर्फेस. दिस इज अगेन वॉटर, दिस इज हैबिट. गिल्स इज अ फीचर, राइट? इट्स अ फीचर. सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन फीचर एंड हैबिट इज नेचुरल, राइट? सो बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट फीचर्स एट एनी लेवल, द क्लासिफिकेशन दैट यू आर यूजिंग इज नेचुरल, नेचुरल क्लासिफिकेशन. अब हमने ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, राइट? आई ऑब्जर्व एनिमल और अ प्लांट और एनी ऑर्गेनिज्म, राइट? और हमने उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, नाउ दिस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कुड बी एक्सटर्नल, जो नेकेड आईज से हमें विजिबल है, बाहर से दिख रहे हैं, जिसके लिए हमको डिसेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और या फिर इंटरनल, जिसके लिए हम बॉडी को ओपन करके देख रहे हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं. इंटरनल में आप ऑर्गन्स देख सकते हो. अगर हम बड़े से छोटे की तरफ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, राइट? ठीक है. अब अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके उनको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो सिस्टम कैसा हो गया? नेचुरल. व्हाई? बिकॉज हैविंग अ फीचर इज ऑटोमेटिकली इन अ वे रिलेटेड टू हैबिट. समझ में आ रहा है? नेचुरल सिस्टम्स, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. इट कुड बी एक्सटर्नल, इंटरनल. जब आप ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की बात करते हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. जब हम टिश्यूज की बात करते हैं, तो हम किस चीज की बात करते होते हैं? हिस्टोलॉजी की. हिस्टोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ टिश्यूज. जब हम सेल्स की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट साइटोलॉजी. आप ये कह लो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स, हिस्टोलॉजिकल फीचर्स, साइटोलॉजिकल फीचर्स, राइट? देन मोर ओवर इसको हम, ये चार तरह के फीचर्स की बात की हमने. वी माइट ऑल्सो टॉक अबाउट बायोकेमिकल फीचर्स, फिजियोलॉजिकल फीचर्स, राइट?
When we talk about these features and we classify the organism according to these, इन सारों के बेसिस पर अगर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा हो जाता है? नेचुरल. बट लेट अस सपोज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हैबिट. A few characters or characteristics. First chapter आपने पढ़ा है. Characteristics क्या होते हैं? Non-specific terms हैं. They are not unique. A few characteristics or habit is considered for classification. Then the system is artificial. अब आप कहते हो birds fly, flying animals, poisonous animals, poisonous plants, medicinal plants, ठीक है. अब आप कुछ चीजों की बात कर रहे हो, aquatic animals, एरियल एनिमल्स, बरोइंग एनिमल्स. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फीचर्स. आप फीचर से हैबिट तक का रिलेशन की बात नहीं कर रहे हो. आप सिर्फ किस चीज की बात कर रहे हो? या तो आप हैबिट की बात कर रहे हो या कुछ नॉन स्पेसिफिक टर्म्स की बात कर रहे हो जो किसी और में भी हो सकते हैं, राइट? तो इस तरह के इस तरह का सिस्टम क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल सिस्टम. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हैबिट और जस्ट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, it is artificial. If I am talking about the features, the specific features, the unique features of the organisms, right? And then I am classifying the organisms accordingly. Like for example, if I am saying mammals have hairs and mammary glands, if I am saying mammals have hairs and mammary glands, birds have feathers and wings, right? तो हम बहुत specific चीज की बात करें. Birds have feathers. Feathers और किसी जानवर में नहीं होते. Mosquitoes में wings होते हैं, ठीक है? But हमने एक collective group बना दिया. Feathers and wings. हमने दोनों को साथ साथ में use किया. Feathers और wings नहीं बोला हमने. हमने क्या बोला? Feathers and wings, ठीक है? तो अब ये बहुत unique चीज हो गई. जैसे ही हमने कहा feathers and wings, सुनने वाले के दिमाग में क्या आता है? Bird, flying animal. राइट, वर्टिब्रल कॉलम. ओके, तो जब हम इस तरह की बात करते होते हैं तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा हो जाता है? नेचुरल सिस्टम हो जाता है. अदरवाइज अगर हम कुछ हैबिट या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे होते हैं तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा हो जाता है? आर्टिफिशियल. ये क्लियर है सबको? यस सर. हिमानी समझ आ रहा है? जबीर? यस सर. यस. अमित? यस सर. महक? यस सर. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अभी हमने सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशंस का डिस्कशन किया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज ऑब्वियस, व्हिच एक्चुअली मींस इट हैज टू बी, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? तो ये ऐसा ही होना चाहिए किसी एक रिलेशनशिप के बेसिस पर होगा. मतलब अगर आप फीचर की बात कर रहे हो तो समझ में आ जाता है. अब ह्यूमंस हैव टीथ, राइट? ह्यूमंस हैव टीथ. अब टीथ तो औरों में भी होते हैं. बस ये समझ में आता है कि जो दांत हैं, जो टीथ हैं, तो बेसिकली किसी चीज को चबाने के काम आते हैं. पर फिशेज में भी तो टीथ होते हैं. नाउ दिस इज नॉट यूनिक, this is not unique, right? But if I am talking about something which is unique to the humans, chahe wo morphological, external morphology se ho, chahe anatomy se ho, histology, cytology, physiology, biochemistry, genetics or whatever, jitna aap detail mein chale jate ho, utna aap specific hote chale jate ho. When you are using such characteristics or features, such features to classify organism, this classification is natural, otherwise the system is artificial. Natural को अच्छे से समझ लो, उसके अलावा जो बचता है that is artificial.
सो नोट कर लीजिए, फिर सेकंड स्लाइड ओपन करते हैं। क्लियर है सबको? नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, वी हैव गॉट जस्ट 5 मिनट्स। आई विल डू वन थिंग, आई विल एंड दिस सेशन एंड अगेन रीओपन। जिस जिस का काम हो गया है